आपको अंग्रेजी आ जाएगी। आफ्टर ऑल my students will be lucky enough to speak and write a better English. तो ये आफ्टर ऑल का इस्तेमाल है। उसके बाद है आपका ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड। On the one hand, I am teaching basic English to my students through online classes, and on the other hand, I have been teaching in my college. On the one hand, you support your friends and on the other hand, you backbite them. गिबत, अच्छा गिबत करना, चुगली, शाबाश सही। हाँ उर्दू ये उज़मा को आती है, गिबत सही, गिबत सही वाला वर्ड है। अब इसमें मैं आपको बताऊं तो मेक बोथ एंड्स मीट, ही पुअर पीपल work hard to make both ends meet. गरीब लोग मेहनत करते हैं जैसे वो अपना गुजारा कर सकें। गुजारा करना, to both ends meet माना गुजारा, गुजारा करना। अब इसको और जो on the one hand से confuse नहीं करना। इस तरह to make both एंड्स, ये एंड से मतलब ये तरफ भी, ये तरफ भी एंड, एंड बोथ एंड्स मीट, मेनी पुअर पीपल आर वर्किंग हार्ड इन द डेज ऑफ पेंडेमिक। बोथ एंड्स मीन्स माना गुजारा करना, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो सेंटेंसेस बता दिए हैं। इस तरह आप सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं। एज अ रिजल्ट, रिजल्टेंटली, ये बहुत ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होता है। ही वर्कड हार्ड एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ही succeeded in his target. इसी को हम कॉपी करते हैं। He worked hard, आप एज अ रिजल्ट ना लगा सकते हैं तो रिजल्टेंटली लगाएं। रिजल्टेंटली he succeeded in his target, he succeeded in his target. His hard work resulted in achieving target. If you work hard, the result will be fine. यहाँ जो result है ये आपका नाउन है। यहाँ जो रिजल्ट है ये आपका वर्ब है, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है आपके। तो इस तरह आप मेनी रिजल्ट्स have been declared by the government. Many results of the different test. यहाँ जो many results ये जो है ये आपका पिल्युलर नाउन है, इसको आप पिल्युलर नाउन कह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, ये क्लास अभी टाइम पूरा हो गया है, मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ और इसी नंबर से आप दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक हो गया? तो अभी ये मैं दोबारा आता हूँ, आपको 3-4 मिनट आप सब्र करें, मैं लिंक खुद ही भेजता हूँ आपको जनरेट करके।